Hello everyone, welcome to my channel JMB Rudraksh Science Classes. Today I will discuss you the next topic from the modern periodic table topic, that is easy way to learn the elements of 18th group. Clear? So 18th group के हम elements जो है वो कैसे learn कर सकते हैं easy way में, उसके लिए मैंने एक trick form करी है. Clear? That is firstly we will know about the group number 18. So we know that group number 18 is located on the right side of the periodic table. Clear? तो जो हमारी जो 18th group है वो हमारा right side में होता है periodic table में. जो हमारा group number 18 है, vertical जो हमारे पास row है, that is the group number 18. तो जो 18th group है हमारा, clear? इसे हम other name से भी जानते हैं. तो जो अदर नेम्स हैं इसके लिए हमारे पास, वो है हमारे पास कि हम इस ग्रुप को बोलते हैं जीरो ग्रुप. ठीक है, जीरो ग्रुप बोलते हैं हम इसे, कहते हैं नॉबल गैसेस. इसके जो एलिमेंट्स होते हैं इज आल्सो कॉल्ड एज नॉबल गैसेस, एंड हम इसे बोलते हैं इनर्ट गैसेस, एंड हम इसे बोलते हैं एरोजल्स. क्लियर? तो हमारे पास ये जो है वो डिफरेंट नेम्स हैं फॉर द ग्रुप नंबर 18th. ठीक है, तो 18th ग्रुप नंबर हमारा किधर लोकेटेड होता है? ये लोकेटेड होता है राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल. तो जो पीरियोडिक टेबल की जो लास्ट ग्रुप होता है हमारा राइट साइड में, वहाँ पे लोकेटेड है. और इसमें जो है वो हमारे पास कंप्लीट सभी पीरियड्स में जो है वो 7 एलिमेंट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट ग्रुप की तरह फर्स्ट ग्रुप में भी हमारे 7 एलिमेंट्स जो है वो होते हैं ईच पीरियड के अंदर, और इसमें भी जो है वो हमारे पास 7 एलिमेंट्स होते हैं. अब हम 7 एलिमेंट्स को कैसे लर्न करेंगे? तो सबसे पहले हम लिखेंगे ट्रिक, देन हम उनको नेम, उनके सिंबल्स, उनका एटॉमिक नंबर, उनकी वैलेंसी और उनकी कॉन्फ़िगरेशन. जैसे कि यहाँ पे है कि हम इनको जीरो ग्रुप बोलते हैं बिकॉज इनकी वैलेंसी जो है वो क्या होती है? जीरो होती है, क्योंकि इनका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट होता है. तो ये रेयरली जो है वो रिएक्ट करते हैं किसी के साथ, इसलिए इनको हम नोबल गैसेस बोलते हैं. क्लियर? और ये रेयरली प्रेजेंट होते हैं एटमोसफेयर में, ठीक है, जैसे कि, तो उनको हम क्या बोलते हैं? एरोजेंस बोलते हैं. ये हमारे पास है कि हमारे लिए 18th ग्रुप के एलिमेंट्स लर्न करने के लिए इजी वे जो है उसके लिए मेरे पास ट्रिक है. 7 हमारे पास पीरियड रहेंगे, जहाँ पे पीरियड नंबर 1, 2, ठीक है. तो उसके लिए हमारे पास ट्रिक है हीलियम नू आगे, हीलियम नू आगे कर. क्लियर? तो यहाँ पे मैक्स के लिए जार लिखेंगे, जैसे जाइलोफोन बोलते हैं जार. 6 रेडोन, ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास ट्रिक रही हीलियम नू आगे कर यार रेडोन होगी. क्लियर? तो ये हमारे पास 7 नेम वर्ड है हमारे पास, और 7 वर्ड से हम उनके जो है वो यहाँ पे क्या फॉर्म करेंगे? नेम्स. ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास है हीलियम नू आगे कर यार रेडोन होगी. तो हमारे पास फर्स्ट है हीलियम, तो हीलियम ही उसका नेम है हमारे पास, नेम ऑफ द एलिमेंट दैट इज द हीलियम. देन सेकेंड एंड से हमारे पास है यहाँ पे नियोन. देन आर्गन है हमारे पास, ए से आर्गन. क्लियर? देन हमारे पास है के से क्रिप्टॉन. देन हमारे पास है एक्स से जीनोन. देन आर से रेडोन, एंड ओ से है ओ जी हमारे पास ओगेंसन. क्लियर? तो ये हमारे पास जो है वो 7 एलिमेंट है ओगेंसन. क्लियर? फर्स्ट एलिमेंट है हमारे पास हीलियम, सेकंड एलिमेंट है हमारे पास नियॉन, देन आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडोन एंड ओगेंसन. देन इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे सिंबल्स. हमारे पास सिंबल्स हम जो है वो शॉर्ट फॉर्म इनके लिए क्या यूज करते हैं? एच ई हीलियम, एन ई नियॉन, ए आर आर्गन, के आर क्रिप्टॉन, एक्स ई जिनॉन, आर एन रेडोन एंड ओ जी ओगेंसन. क्लियर? ये है हमारे पास 7 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 18, और इनके हमारे पास सिंबल है हीलियम, नियॉन, ए आर आर्गन, के आर क्रिप्टॉन,
एक्सीजिनोन, आरएन रेडोन एंड ओजी ऑगेंस। अब हम इसके लिए लेंगे एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो ईच पीरियड के अंदर एलिमेंट्स होते हैं उनको अगर हम सम करें तो वो हमारे पास जो है वो लास्ट नंबर में उनका जो है वो एटॉमिक नंबर फॉर्म होता है, ठीक है। जैसे हमारी शेल्स ही हैं 288, 18, 18, 32 एंड 32। अगर हम उनको प्लस ऐड करते जाएं, जैसे हम अपनी कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी फॉर्म करते हैं मैथ के अंदर कि हम फर्स्ट फ्रिक्वेंसी देन ऐड नेक्स्ट फिर उसमें नेक्स्ट नेक्स्ट करके हम अपना बनाते हैं, ऐसे ही हमारे पास हमारी शेल्स को अगर हम एटम नंबर ऑफ हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनको जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास जो है वो एटॉमिक नंबर फॉर्म हो जाते हैं हमारे ग्रुप नंबर 18 के। तो फर्स्ट पीरियड में हमें पता है कि दो एलिमेंट होते हैं, एक हाइड्रोजन होता है और एक हीलियम होता है, तो हीलियम का हमारे पास एटॉमिक नंबर है 2। सेकेंड पीरियड में हमारे पास टू एलिमेंट जो है वो हमारे एस ब्लॉक के होते हैं और सिक्स एलिमेंट हमारे पास पी ब्लॉक के होते हैं। टू और एट कितना हो जाए, टू और सिक्स हो गए टोटल एट, एट और टू हमारे पास कितना हो जाएगा, इट वुड बी 10, ठीक है। देन अगेन 8 होते हैं हमारे थर्ड पीरियड में भी एलिमेंट, तो 10 और 18 हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 और 8 18। देन हमारे पास जो ग्रुप नंबर हमारा पीरियड नंबर 4 है, पीरियड नंबर 4 एंड पीरियड नंबर 5, इन दोनों पीरियड में हमारे पास जो है वो हमारा ब्लॉक डी ऐड हो जाता है जिसमें हमारे 10 एलिमेंट इंक्रीज हो जाते हैं, तो उससे हमारा जो नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स हो जाता है पीरियड में वो 18 होता है। 18 और 18 हमारा टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे 36। सेम नेक्स्ट में हमारा 18 होता है तो इट वुड बी 54, 36 प्लस 18 54। देन हमारे पास 6 और 7 पीरियोडिक टेबल जो हमारा पीरियड्स हैं पीरियोडिक टेबल के, उनमें हमारे टोटल एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं एक पीरियड के अंदर 32, क्योंकि उसमें हमारा एफ ब्लॉक होता है जो हम बॉटम पे रखते हैं, 14 उसके होते हैं। देन हमारे पास 18 प्लस 14 इज 32 और हम 32 ऐड करेंगे तो इट वुड बी 86। एंड देन 86 में अगर हम अपना 32 ऐड करते हैं तो इट वुड बी 118। तो ये हमारे पास इजीली जो है वो हम लिख सकते हैं एटॉमिक नंबर किनके, हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप नंबर 18 के, क्लियर। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमारा जो है वो फर्स्ट का तो ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है 2, देन हमारे पास 2 एंड 8, ठीक है, 2 और 8 10। देन क्योंकि ये आउटर मोस्ट शेल इनकी कंप्लीट होती है, हम इसलिए हम इनको बोलते हैं जीरो ग्रुप एलिमेंट्स, ठीक है। तो इनके जो आउटर मोस्ट शेल में जो है वो हमारा कंप्लीट रहता है तो इसलिए इनकी वैलेंसी क्या होती है, जीरो होती है। और आउटर मोस्ट में जो इनके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारी शेल कंप्लीट होती है, ऑक्टेट इनका कंप्लीट होता है 2, 8 एंड 8, ठीक है। तो ये 8 को जो है वो हम लास्ट में अकॉर्डिंग टू शेल्स फिल करते हैं, तो ये हमारे पास 2, 8, 18, 8 और 18, हम इसे जहाँ भी लिख सकते हैं लास्ट में 2, 8, 18 एंड 8, क्योंकि हमें पूरी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर होंगे हमारे 8 इलेक्ट्रॉन। तो देन हमारे पास 2, 8, 8, 18 एंड 18, देन हमारे पास हो जाएगा 2, 8, 8, 18, 18 एंड 32, देन हमारे पास हो जाएगा इट वुड बी 8, 8, 18, 18 एंड 32 एंड 32, क्लियर। तो ये हमारे पास जब हम इनको ओपन करते हैं तो इनको हम दोबारा से लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो आपको हायर क्लासेस में होगी कि हमें इसको ओपनली जब हम ऑर्डर में लिखते हैं ब्लॉक के साथ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d10, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास इनको हम आगे स्प्लिट अप करते हैं। तो इसको जब हम 32 को जहाँ पे फिल करते हैं तो वो हमारा फिर से हो जाएगा जहाँ पे पहले हम एफ ब्लॉक को फिल कर देंगे, फिर हम डी ब्लॉक को फिल करेंगे 14, 10, 10, 2, then 6, तो इसलिए हमारे आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 8, क्लियर। तो ये हमारे पास इसमें सभी में ऑक्टेट इनका कंप्लीट होता है और इसीलिए इनकी वैलेंसी जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, इट वुड बी 0 और इनका आउटर मोस्ट शेल होता है कंप्लीट, आउटर मोस्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएंगे जहाँ पे। आई होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।